अस्सलाम वालेकुम हेलो दोस्तों, आज रेहा की इस वीडियो में मैं रिदमी कंपेयर करने वाला हूँ Redmi Note 9 को, जो कि Redmi 10X के नाम से चैनल में लॉन्च हुआ है। तो इसको आप Redmi 10X भी कह सकते हैं और Redmi Note 9 भी। कंपेयर करेंगे हम इसको Xiaomi के Note 8 Pro के साथ, दोनों का कंपैरिजन करेंगे फुल डिटेल के साथ, एक एक चीज के बारे में इसकी मैं बताने वाला हूँ, क्या रैम स्टोरेज और बैटरी आपको देखने को मिलने वाली है इन फोन के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोनों ही फोन के डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। Redmi Note 9 में आपको IPS LCD वाला डिस्प्ले दिया गया है 6.53 इंच का फुल HD 1080 पिक्सल में, जिसमें आपको 395 PPI डेंसिटी मिल जाती है। और Redmi Note 8 Pro में भी आपको IPS LCD वाला डिस्प्ले मिल जाता है 6.53 इंच का फुल HD 1080 पिक्सल के साथ। इधर आपको 84.9 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है, यानी कि इसमें आपको बेजल थोड़ा कम मिलते हैं। वाटर ड्रॉप नॉच वाला ये डिस्प्ले है, जबकि Redmi Note 9 पंच होल वाला डिस्प्ले है। तो इसमें भी आपको ग्रिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट मिल जाती है और HDRD सपोर्टेड है ये डिस्प्ले। Redmi Note 9 में आपको Android 10 मिल जाता है, जबकि Redmi Note 8 Pro में आपको Android 9 मिलता है और Android 10 की अपडेट भी मिल जाती है। Redmi Note 9 में आपको MediaTek का G85 वाला चिपसेट दिया गया है, जिसके स्कोर 2,08,000 के करीब आते हैं। इसमें मान लीजिए G52 वाला GPU है और CPU की बात करें तो ऑक्टा कोर का 2.0 वाला CPU है, कोर्स A75 वाले आपको इसमें मिल जाते हैं। तो Redmi Note 8 Pro में आपको MediaTek का G90T वाला चिपसेट मिलता है। तो ये चिपसेट थोड़ा हीटिंग इश्यू करता है इस फोन के अंदर। इसमें आप अगर ज़्यादा PUBG को खेलते हैं काफ़ी देर तक एक्सट्रीम, तो आपको हीट इश्यू देखने को मिलेगा। इसमें जो CPU मिलता है वो भी 2.05 GHz के साथ आ रहा है। इसमें कोर्स आपको A76 वाले दिए गए हैं। तो ये चिपसेट के स्कोर्स 2,80,000 के करीब आते हैं और इसकी प्राइस भी आपको यकीनन ज़्यादा मिलती है। और इसमें आपको जो GPU मिलता है वो माली का G76 वाला है। रैम और स्टोरेज की बात करें, Redmi Note 9 की 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ये फ़ोन पाकिस्तान में आ सकता है, जबकि Redmi Note 8 Pro आपको पाकिस्तान के अंदर 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ मिल जाता है। अगर हम कैमरा सेटअप की बात करें तो Redmi Note 9 में आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर है। और Redmi Note 8 Pro में भी आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट पे आपको Redmi Note 9 में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जबकि Redmi Note 8 Pro में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो फ्रंट कैमरा के अंदर और बैक कैमरा के अंदर Redmi Note 8 Pro ज़्यादा अच्छा होने वाला है। दोनों में वाईफाई 5 की सपोर्ट है और ब्लूटूथ 5.0 वाला है। टैप सी सपोर्टेड है दोनों फ़ोन, USB 2.0 के साथ। फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में अवेलेबल है बैक पे। जायरोस्कोप तमाम सेंसर अवेलेबल हैं। अगर हम बैटरी की बात करें, Redmi Note 9 में 5020 mAh की बैटरी है, 18W की फास्ट चार्जिंग है, जबकि Redmi Note 8 Pro में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है 18W की सेम चार्जिंग के साथ। अगर हम इनकी प्राइस की बात करें, Redmi Note 8 Pro पाकिस्तान में आपको 40,000 की रेंज में मिलेगा और डिस्काउंट मिल सकता है ऑनलाइन मार्केट में से, जबकि Redmi Note 9 32,999 में आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं।